हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम पढ़ाई करेंगे स्लैब। स्लैब के बारे में पढ़ेंगे। स्लैब क्या है? देखो, जो कॉपी पे आप लिख रहे हो ना, वो कॉपी ही आपका स्लैब है, उसी जैसा होता है ना। मतलब स्लैब एक ऐसा मेंबर है, प्लेट टाइप का मेंबर होता है, प्लेट जैसा, है कि नहीं? स्लैब एक ऐसा मेंबर है, हम कह सकते हैं स्लैब इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर Having one dimension very small as compared to other two dimension. अब generally किस तरह का loading होता है slab के ऊपर? Generally it is subjected to bending. Slab को जो design किया जाता है ना, ध्यान से सुनिए, slab को जो design किया जाता है, that is जो हम reinforcement वगैरह design करेंगे, जो भी provide करेंगे, it is due to bending, है ना? Prominently slab is subjected to bending. तो ये चीज ध्यान रखिएगा। या फिर slab is designed corresponding to bending, objective question पहला ही पूछ लेते हैं, ठीक है? मतलब जो भी reinforcement वगैरह है, जो भी depth वगैरह decide करना है, वो bending के corresponding होता है। समझ में आ रही है बात? Okay? तो slab is a structural member having one dimension very small as compared to other two dimension and is generally subjected to bending. Clear? अब एक heading डालिए कॉपी पे, classification of slab। कितने तरह के slab generally होते हैं, है ना? Classification of slab is your heading. इसमें देखिए पहला, फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब बेस्ड ऑन शेप ऑफ स्लैब। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर स्लैब हो सकती है, ट्रायंगुलर शेप का हो सकती है, या सर्कुलर शेप का हो सकता है ना, गोल, या ऑफ एनी अदर शेप, ठीक है? तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब बेस्ड ऑन शेप। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है? बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सॉलिड स्लैब, फ्लैट स्लैब, स्लैब विथ ओपनिंग, मतलब स्लैब है उसमें आपने एक ओपनिंग कहीं पर कट कर रखा है, लेट्स सपोज यहाँ पे ये ओपन है, ऐसा भी होता है ना कोई कोई, ओके? तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये आपके हो सकते हैं सॉलिड स्लैब या फ्लैट स्लैब या स्लैब विद ओपनिंग। फ्लैट स्लैब का कोडल प्रोविजन हमको पढ़ना है ना, अपने को डिजाइन नहीं करनी फ्लैट स्लैब, हमें इनका कोडल प्रोविजन पढ़ना है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन बेंडिंग बिहेवियर, मतलब स्लैब किस तरह से बेंड होता है। देखो, ये बेंडिंग बिहेवियर को जज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है ना, अपना नोटबुक यार, है ना? इमेजिन करना कि नोटबुक कैसा बेंड करेगा, जैसा नोटबुक बेंड करेगा उसी तरह से स्लैब बेंड करेगी। आपका जो नोटबुक है जनरली रेक्टेंगुलर शेप का है कि नहीं? एक लेंथ ज्यादा है और मतलब लेंथ उसका ज्यादा है और विड्थ देखो कम है, तो रेक्टेंगुलर शेप का जनरली आपके पास नोटबुक है जो स्लैब है अपना, है ना, वो एक स्लैब जैसा होगा। तो अब हम देखेंगे बेंडिंग बिहेवियर, मतलब मैं आऊंगा वीडियो पे आऊंगा फिर बताऊंगा, ओके? एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मेरा अंदर से सही नहीं लग रहा है यार। तो बेस्ड ऑन बेंडिंग बिहेवियर जो स्लैब है वो अपना दो तरीके का होता है, ठीक है? वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। स्पैनिंग डायरेक्शन देखो, समझो बात को, जैसे ये अपना एक स्लैब है तो इसका ये एक डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन और ये एक डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन, समझिए। अगर x डायरेक्शन के अलॉन्ग बेंडिंग जो है, मतलब ऐसे बेंडिंग हो रही है, और y डायरेक्शन के अलॉन्ग भी बेंडिंग हो रही है, तो दोनों डायरेक्शन के अलॉन्ग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बेंडिंग हो रही है तो टू वे, मतलब दोनों डायरेक्शन के अलॉन्ग सिग्निफिकेंट बेंडिंग है। लेकिन मान लीजिए किसी एक डायरेक्शन के अलॉन्ग प्रोमिनेंट बेंडिंग है, मतलब अधिक बेंडिंग है, और दूसरे डायरेक्शन के अलॉन्ग उतना बेंडिंग हो ही नहीं रहा, तो वन वे, समझ में आ रहा? तो ये है बेंडिंग बिहेवियर। तो बेस्ड ऑन बेंडिंग बिहेवियर आपका स्लैब वन वे हो सकता है या टू वे हो सकता है, ये हमें पढ़नी है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बेंडिंग बिहेवियर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन लोडिंग, ठीक है, कि स्लैब पे कैसा कैसा लोड लगा है। जनरली दो ही तरह का कंडीशन आपका यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है, स्लैब सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड या स्लैब सब्जेक्टेड टू यूडीएल। तो हमें जो पढ़नी है ना, स्लैब सब्जेक्टेड टू यूडीएल ही पढ़नी है, ठीक है? नेक्स्ट, बेस्ड ऑन सपोर्टिंग कंडीशन, देखिए बेस्ड ऑन सपोर्टिंग कंडीशन जो आपका स्लैब है वो वॉल्स के ऊपर सपोर्टेड हो सकता है, मतलब जो दीवार आपने बना रखा है घर का, इसके ऊपर ही सीधा स्लैब बना दिया, या फिर दीवार के ऊपर बीम भी बनाया है, अब बीम के ऊपर स्लैब को दे रहे हो, स्लैब सपोर्टेड ऑन वॉल, स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम, या फिर जैसे फ्लैट स्लैब वगैरह है तो वो सीधा सीधा कॉलम पे ही सपोर्ट कर दिया जाता है उसको, तो स्लैब सपोर्टेड ऑन कॉलम, एग्जाम्पल फ्लैट स्लैब, है ना? मतलब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लैट स्लैब, स्लैब सपोर्टेड ऑन कॉलम। तो बेस्ड ऑन सपोर्टिंग कंडीशन भी इस तरह के स्लैब होते हैं। हमें जो पढ़नी है, जिसके बारे में पढ़नी है, जिसके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अपने कंटेक्स्ट में है, मतलब जो अपना सिलेबस में है, ठीक है,
ये ग्रेजुएशन लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। हियर वी विल कवर सॉलिड रेक्टेंगुलर वन वे स्लैब, वन वे एंड टू वे दोनों, सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर साइड ऑन वॉल एंड सब्जेक्टेड टू यूडीएल। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह, अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन वगैरह, अगर डिजाइन वगैरह, इन सब चीजों को भी पूछा जाता है अगर इस वाले चैप्टर से, ठीक। देखिए स्लैब थ्योरी के अंदर ना ऐसे बहुत बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने जबरदस्त एनालिसिस कर रखा है भाई, अपना अपना थ्योरी पूरा, वेस्टरगार्ड, स्मिरनॉफ, रेनकाइन ग्रासोफ, बहुत अलग अलग तरह के साइंटिस्ट थे जो आए थे, ठीक है, एनालिसिस करने के, प्रांडेटल, है ना। तो बहुत सारे थ्योरीज हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड अपना भी जो कोड है, कोड एक मेथड फिर सजेस्ट कर देता है, तो इसमें उतना रिसर्च करना नहीं है अपने को, है ना, सीधा सीधा कोडल प्रोविजंस देखना है। हाँ, जहाँ पे जो कंसेप्ट है, जैसे वन वे टू वे बिहेवियर क्या है, ये कंसेप्ट समझने लायक चीज है, ये समझते हुए चलेंगे, और जहाँ जैसा कोडल प्रोविजंस है उसको फॉलो करते हुए डिजाइन कर लेंगे, बस अपने को तो कोड फॉलो करते हुए चलना है। ओके, मजा आएगा, बताऊंगा, अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िएगा। ये दिख रहा, ठीक है, ये देखिए, ये दिखा बेंडिंग बिहेवियर ऑफ स्लैब। क्या होता है वन वे और टू वे बिहेवियर? अभी स्लैब पे लोडिंग है ना, ये स्लैब है, देखो रेक्टेंगुलर है ना, ये स्लैब जैसा है। अभी मान के चलो क्या दिख भी रहा है, ये आपका लॉन्गर स्पैन, ठीक है, लेंथ बड़ा, विड्थ शॉर्टर स्पैन। तो लेट्स सपोज इधर एक दीवार है, मतलब दो लॉन्गर स्पैन इस तरह से सपोर्टेड है, मतलब जो आपका स्लैब है, देखिए इस तरह का ये स्लैब मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ओके, लेट्स सपोज ये जो स्लैब है ना, ये लॉन्गर स्पैन दो वॉल्स के ऊपर प्लेस था, दीवार के ऊपर रखा हुआ है, अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन वॉल्स है, ठीक है, मान के चलो। अब जब इस पर लोडिंग लगेगी तो ये बेंड करेगी, तो बेंड करेगी तो कैसे बेंड करेगी, ऐसे, इस तरह से, यही तो बेंडिंग होगा। तो बेंडिंग आपको ज्यादा किधर दिख रहा है, अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन ज्यादा बेंडिंग है या शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग बेंडिंग ज्यादा, शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग। तो यहाँ पे अगर मैं बेंडिंग प्रोफाइल बनाऊं, क्या ये इस तरह से ये कुछ प्रोफाइल बन रही है, देखिए। स्लैब को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, बेस्ट तरीका अपना कॉपी को समझो, है ना, इजीली स्लैब को आप समझ जाएंगे, और कुछ भी नहीं है, ये तो है, इधर से कभी मोड़ के देखो, कभी अच्छा इधर देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, सब समझ में आएगा। तो इधर इस तरह से बेंड हो रही है, ठीक है, तो ये आपको, मतलब जब बेंडिंग हो रही है तो इस तरह से ये मुड़ रही है, तो शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग ये आपको डिफ्लेक्ट शेप दिख रहा है, डिफ्लेक्टेड शेप। लेकिन जो लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग अगर आप देखोगे तो बेंडिंग आपको दिख रहा है क्या, है बेंडिंग है, अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन भी कुछ बेंडिंग है, बट आपको डायग्राम कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर कॉन्स्टेंट, सामने से देखोगे कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर बेंडिंग, एक कॉन्स्टेंट बेंडिंग है, मतलब ऐसा। ये कौन सा बेंडिंग मैंने आपको दिखाया, सेंटर लाइन पे, अलोंग द लॉन्गर स्पैन सेंटर लाइन पे, देखिए, मतलब ये जो आपका बेंडिंग है यहाँ पे डेल्टा मैक्स, दिस डेल्टा मैक्स, ठीक है, यही डेल्टा मैक्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, डेल्टा मैक्स अलोंग द सेंटर लाइन जो आपको बेंडिंग दिख रहा है, देखिए जो मैक्सिमम बेंडिंग दिख रही है ये वाली, ये, ठीक है, तो ये एकदम, मतलब थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पैन एक कॉन्स्टेंट बेंडिंग अवेलेबल है। तो इस तरह से आपका कुछ ये प्रोफाइल्स डेवलप होगा, इमेजिन हुआ, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे देखिए जो बेंडिंग का इफेक्ट है, इट इज सिग्निफिकेंट अलोंग वन डायरेक्शन ओनली, शॉर्टर डायरेक्शन है ना, बेंडिंग का इफेक्ट सिग्निफिकेंट है ना, पूरा स्पैन, मतलब एक बेंडिंग बिहेवियर आपको दिख रही है अलोंग द शॉर्टर स्पैन। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन, एक शॉर्टर स्पैन वाला डायरेक्शन, एक लॉन्गर स्पैन वाला डायरेक्शन, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें बेंडिंग बिहेवियर सिग्निफिकेंट दिखा, इसलिए ये वन वे स्लैब हो गया आपका। अगर बेंडिंग बिहेवियर दोनों स्पैनिंग डायरेक्शन के अलोंग कंपेरेटिव होता, मतलब
एक जैसा होता, ठीक है, कंपैरेटिव होता, एक जैसा होता, तो हम उसे कहेंगे टू वे डायरेक्शन, मतलब टू वे स्लैब। समझ में आ रहा है? तो वन वे और टू वे जो डिफाइन की जाती है, इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग बिहेवियर। अब लिखेंगे, है ना, तो ये डायग्राम आपको बनानी है। पहले पहले आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए बेंडिंग बिहेवियर ऑफ स्लैब, उसमें पहला वन वे स्लैब, फिर ये डायग्राम आप बनाइए, ठीक है, ये डायग्राम बनाइए। अच्छा, ये जो डायग्राम आप बनाएंगे इसमें लिखिए केस ए, स्लैब सपोर्टेड ऑन अपोजिट एज, स्लैब सपोर्टेड ऑन अपोजिट एज, ठीक है। तो मतलब दो ही सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, दो ही सपोर्ट है, आप ऐसा समझिए, दो वाल के ऊपर सपोर्टेड है बस स्लैब आपका, है ना, ये वाला केस है। तो इस केस में हम जब देख रहे हैं तो आपको बेंडिंग किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो कि शॉर्टर डायरेक्शन में, सिग्निफिकेंट अमाउंट का दिख रहा है। समझ में आ रहा है बात? ओके, तो ये पहला केस। दूसरा केस भी है, हम देखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले ये लिख लीजिए, ये जो बेंडिंग प्रोफाइल है ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, अलोंग लॉन्गर स्पैन रेक्टेंगुलर। ओके, लिखिए वन वे बेंडिंग का डेफिनेशन लिखिए आगे। व्हेन बेंडिंग इज डोमिनेटिंग सिग्निफिकेंटली इन वन डायरेक्शन कंपेयर टू अदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन सच स्लैब इज कॉल्ड एज वन वे स्लैब। When bending is dominating in one direction as compared to other perpendicular direction, then such slab is called as one-way slab. ठीक है, make a note of it. उसके बाद देखिए, ये जो हमने केस आपको बताया, slab supported on opposite edge. ये जो slab होता है, इसका behavior हमेशा one way होता है. ठीक है, आपका कोई भी dimension हो slab का, मतलब ये जो slab panel है, ये कोई भी dimension का हो सकता है, 6 meter into 4 meter का हो सकता है, या 7 meter into 3 meter का हो सकता है, कुछ भी, है ना, एनी स्लैब पैनल डायमेंशन में भी। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ स्लैब पैनल डायमेंशन, मतलब स्लैब पैनल के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड ना करते हुए, आपका ये टाइप ऑफ स्लैब, मतलब जब अपोजिट एजेस के ऊपर स्लैब आपका सपोर्टेड होगा बस, तो उसका बिहेवियर हमेशा वन वे ही होगा। ओके, इट विल ऑलवेज बिहेव एज वन वे स्लैब। तो ये चीज यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, स्टार पॉइंट बना के, स्लैब सपोर्टेड ऑन अपोजिट एज will always behave as one way slab, ठीक है, will always behave as one way slab, irrespective of dimension, कुछ भी होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहां से एक स्टेटमेंट तो दिमाग में आ रही होगी, गूंज रही होगी, कि सर डायमेंशन पे फर्क पड़ता है, मतलब, है ना, आप यहाँ पे अभी कह रहे हो कि अगर सपोर्टेड ऑन अपोजिट एज है तो डायमेंशन का इफेक्ट नहीं होगा, स्लैब हमेशा वन वे बिहेव करेगा। लेकिन अगर सपोर्टेड ऑन अपोजिट एज नहीं है तो क्या ऐसे केसेस में स्लैब का डायमेंशन वन वे या टू वे बिहेवियर को इफेक्ट करता है? तो जी हाँ, करता है। एक टर्म हम डिफाइन करेंगे अभी, एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। तो बिहेव एज वन वे स्लैब इररेस्पेक्टिव ऑफ डायमेंशन, ठीक है। वन वे स्लैब के अंदर ही केस टू मतलब केस बी, स्लैब सपोर्टेड ऑन ऑल फोर एजेस, मतलब देखिए ये आपका स्लैब है, ये मतलब चारों बगल से दीवार होगा, ठीक है, और उसके ऊपर ये स्लैब रखा गया है, आप ऐसा समझिए, स्लैब सपोर्टेड ऑन ऑल फोर एजेस, ठीक है, दिस इज द केस, स्लैब सपोर्टेड ऑन
या फ्रॉम ऑल फोर साइड्स और ऑल फोर एजेस। ओके, अब ये वन वे कब होगा? तो ये वन वे तब होगा जब इसका एस्पेक्ट रेशियो, जब इसका एस्पेक्ट रेशियो दो से अधिक होगा। ठीक है, अब एस्पेक्ट रेशियो क्या है अभी आपको समझाऊंगा। पहले लिखिए, अगर ये केस है सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर एजेस, तो बना के लिखो इसके नीचे, इफ एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो इज मोर देन टू, इज मोर देन टू, देन ओनली स्लैब विल बिहेव एज वन वे। ठीक है, तो इफ एस्पेक्ट रेशियो इज मोर देन टू, देन ओनली स्लैब विल बिहेव एज वन वे। ये जो केस है, ये जो लॉजिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ओनली अप्लीकेबल है जब स्लैब चारों बगल से सपोर्टेड है, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि हर टाइम ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आता। तो एस्पेक्ट रेशियो ए आर इज रेशियो ऑफ लॉन्गर इफेक्टिव स्पैन, लॉन्गर इफेक्टिव स्पैन बाय शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन। दिस इज योर एस्पेक्ट रेशियो। तो यदि ये दो से अधिक होगा, इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन होना चाहिए, यदि दो से अधिक होगा तभी आपका ये स्लैब एज ए वन वे बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये स्लैब का डायमेंशन है 10x4, तो क्या इस केस में एस्पेक्ट रेशियो 10/4 2.5 क्या ये ग्रेटर देन 2 है? यस yes. तो क्या ये वन वे स्लैब होना चाहिए? होगा, होगा वन वे स्लैब होगा, मतलब जो बेंडिंग इफेक्ट है वो शॉर्टर डायरेक्शन में ही है ना, जनरली शॉर्टर डायरेक्शन में ही अधिक ज्यादा होती है। बेंडिंग इफेक्ट विल बी मोर सिग्निफिकेंट इन शॉर्टर डायरेक्शन, ठीक है, एज कंपेयर टू लॉन्गर डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में बेंडिंग कैसा दिखेगा? एजेस पे थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा आपको, साइड्स पे, फिर उसके बाद एक कॉन्स्टेंट ऐसे, है ना, तो इस तरह का। तो दिस इज योर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा मैक्स, एंड हियर यही आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा मैक्स आपको दिख रहा है। तो जो बेंडिंग इफेक्ट है, इट इज प्रोमिनेंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली, दैट इज शॉर्टर डायरेक्शन। समझ में आ रही है? बेंडिंग इफेक्ट मतलब ये जो शॉर्टर स्पैन है वो थ्रू आउट द स्पैन बेंड किया है, डिफ्लेक्ट किया है। ओके, तो बेंडिंग इफेक्ट इज प्रोमिनेंट अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन ओनली, ये चीज है। अब इस केस में एक नोट समझिए, देखिए जब हम डिजाइन एनालिसिस करेंगे या फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालनी होगी, है ना, ड्यू टू लोडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते वक्त मैं कौन सा सपोर्ट, सॉरी कौन सा स्पैन चूज करूंगा, लॉन्गर स्पैन या शॉर्टर स्पैन? तो जनरली आई विल चूज दैट पर्टिकुलर स्पैन अलॉन्ग विच बेंडिंग इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट, जो कि है शॉर्टर स्पैन। समझ में आ रहा है? सो फॉर स्लैब सपोर्टेड फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स, शॉर्टर स्पैन इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू। ओके, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, शॉर्टर स्पैन इज ऑलवेज यूज्ड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आप ये समझिए, जिस स्पैन के अलॉन्ग, ठीक है, बेंडिंग इफेक्ट सिग्निफिकेंट है, वो स्पैन हमें कंसिडर करनी है। टू वे स्लैब लिखिए, व्हेन बेंडिंग इन बोथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कंपेरेबल, then such slab is called as two-way slab. Rectangular slab supported from four side can be classified as two-way slab when the aspect ratio is less than 2 or equal to 2. समझ में आ रहा है? Rectangular slab, ये जो aspect ratio वाला concept है ना, ये generally आप तभी use करेंगे जब supported from all four sides हो, ठीक है, तभी generally ये aspect ratio वाला मतलब कॉन्सेप्ट हमको यूज करना होता है। तो सपोर्टेड फ्रॉम
चारों बगल है। अब यदि आपका जो क्या बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो लेस देन 2 आ रहा है या बराबर आ रहा है तो टू वे स्लैब हो जाएगा, और ग्रेटर देन 2 यदि आपका एस्पेक्ट रेशियो आ रही है तो उसे आप वन वे स्लैब कंसिडर करेंगे, है ना। तो इस चीज़ को आप नोट करके लिखिए और डायग्राम अगर बनानी है तो आप ये एक स्लैब का डायग्राम दिखा दो। ये स्लैब था, इस तरह का कुछ स्लैब है मान के चलिए, है ना। लेट्स सपोज ये 6x4 का स्लैब है, 6x4। तो इस केस में एस्पेक्ट रेशियो कितना हो गया? एस्पेक्ट रेशियो यदि हम निकालेंगे इट विल बी 6x4 विच इज योर 1.5 विच इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। और चारों बगल से सपोर्टेड है मान के चलिए, सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर साइड, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और एस्पेक्ट रेशियो भी लेस देन 2 है, तो दिस विल बिहेव एज ए टू वे स्लैब। तो बेंडिंग विल बी कंपेरेबल इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में लगभग एक जैसा बेंडिंग आपको दिख रही होगी, है ना। इधर ऐसा बेंड कर गया मान लो और इधर ये इस तरह से बेंडिंग हो रही होगी। दिस बेंडिंग विल बी कंपेरेबल इन बोथ द डायरेक्शन, ये डेल्टा यहाँ पे, इधर ये डेल्टा, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। ओके, सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर साइड, ये ध्यान रखिएगा, सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर साइड, क्योंकि आप मान के चलिए जैसे यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो लेस देन 2 है ना। फॉर सेम केस इसी स्लैब के लिए अगर मैं बोलूँ कि केवल दो ही साइड पे सपोर्टेड है ना, दो ही साइड पे सपोर्टेड है, मतलब ये मान के चलो केवल एक इधर और एक इधर ही सपोर्ट, तो ये क्या हो जाएगा? एस्पेक्ट रेशियो भले ही लेस देन 2 हो लेकिन ये वन वे स्लैब हो जाएगा ना फिर, है ना। तो हमेशा एस्पेक्ट रेशियो पर सीधा आप जज नहीं कर सकते, एस्पेक्ट रेशियो तभी अप्लीकेबल है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जब सपोर्टेड फ्रॉम ऑल दी फोर साइड हो उस वक्त ही आप ये एस्पेक्ट रेशियो वाला कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, है ना, सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर साइड, सपोर्टेड फ्रॉम मतलब ये सपोर्ट सपोर्ट कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर साइड। ओके, अब कुछ आपको स्पेशल केस देता हूं, दो स्पेशल केस देता हूं। देखिए पहला मतलब स्पेशल केस है ये, है ना, स्पेशल केस, ये एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। देखिए पहला वाला कि आपका जो स्लैब है ना वो तीन साइड से सपोर्टेड है, इस तरह का कुछ स्लैब है मान के चलो, यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो वगैरह वो सब उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। ये जो स्लैब है ये थ्री साइड से सपोर्टेड था, ऐसा ये सपोर्टेड है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आपका स्लैब होगा ना ये डिफ्लेक्ट कैसे करेगा फिर? ये इस तरह से, ये इसकी डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इस तरह से आपको इसकी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन, इस तरह से ये डिफ्लेक्ट करेगी अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन। अगर आप डिफ्लेक्शन देखोगे तो अगेन ऐसा कुछ, ऐसा फिर एक कांस्टेंट डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस तरह। अच्छा यहाँ पे तो फ्री है ना, एक मिनट, ये इस तरह से कुछ ये डिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, अलोंग द लॉन्गर स्पैन। तो यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन के अलोंग सिग्निफिकेंट है? किसी एक ही डायरेक्शन के अलोंग, तो ये आपका वन वे स्लैब हो जाता है, वन वे स्लैब। ये चीज एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो आप नोट बना के लिखिए कि सपोर्टेड फ्रॉम ऑल दी थ्री साइड्स, ये वाला एक केस है। दूसरा केस आपको मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, सेकेंड वाला केस। सेकेंड केस क्या है? एक स्लैब है मान लो स्क्वायर टाइप का, जिसमें दो ही दो बगल से सपोर्टेड है, ये एक सपोर्ट है ना, ये एक सपोर्ट, इसको बोलेंगे एडजेसेंट फेसेस सपोर्टेड, ठीक है, एडजेसेंट साइड मतलब ये साइड इसके बगल वाले साइड फिर सपोर्ट करती है, सपोर्ट सपोर्टिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये। तो इसका जब डिफ्लेक्शन आप देखोगे तो इसका डिफ्लेक्शन कुछ यूं होगा, देखिए जहां पे सपोर्ट है वहां पे तो जीरो डिफ्लेक्शन ना, वहां से जीरो डिफ्लेक्शन, फिर ये डिफ्लेक्शन, एक मिनट थोड़ा डायग्राम सीधा बना लेना, ये टू वे बिहेवियर होगा, मतलब दोनों बगल डिफ्लेक्शन एक ही जैसा आपको दिखेगा, ऐसा यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन की वैल्यू, फिर ये आई कांस्टेंट, फिर इस तरह से आप यहाँ पे जीरो बना लें ऐसे, है ना। सिमिलरली यहाँ पे
एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन, फिर यहाँ से ऐसे जीरो शुरू हुई, फिर ये कांस्टेंट ऐसा। तो डिफ्लेक्शन अलॉन्ग बोथ दी साइड्स आर कंपेरेबल, तो ये हो जाता आपका टू वे स्लैब। ओके, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये डायग्राम देते हैं आपको, ठीक है। डायग्राम देने के बाद आपसे पूछेंगे कि ये वन वे है या टू वे है। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, फ्लैट स्लैब। देखिए बहुत ही मस्त टाइप ऑफ स्लैब होता है, ठीक है। फ्लैट स्लैब, इसको मैं जनरली डैडी स्लैब बोलता हूँ, फादर ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्लैब, ठीक है। और जनरली आजकल कंस्ट्रक्शन में इसी स्लैब को बनाई जाती है, जैसे हाई राइज अपार्टमेंट वगैरह जो होता है, समझिए बात को, या फिर बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वगैरह जो प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे यही स्लैब प्रोवाइड किया जाता है, फ्लैट स्लैब। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं एक्चुअली, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है, देखिए अभी तक आपने देखा कि चारों बगल दीवार बना दिया है और दीवार के ऊपर स्लैब रख दिया है, तो सपोर्टेड ऑन वॉल था ये जो स्लैब था, वॉल या फिर बीम, इन सब चीज़ों के ऊपर सपोर्ट करते थे अभी तक स्लैब को। लेकिन फ्लैट स्लैब में क्या है, बीम वगैरह या वॉल वगैरह की जरूरत नहीं है, ये सीधा कॉलम के ऊपर स्लैब को आप प्लेस कर दीजिए, है ना। तो फ्लैट स्लैब इज ए टाइप ऑफ स्लैब विच इज रेस्टेड ऑन कॉलम और विच इज सपोर्टेड ऑन कॉलम्स। समटाइम्स ड्रॉप पैनल या फिर कॉलम कैपिटल भी प्रोवाइड किया जाता है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम पंचिंग सियर। पंचिंग सियर इज द मेन थिंग जिस कारण से, जो कि मतलब जिस कारण से फेल हो सकता है आपका ये फ्लैट स्लैब। अभी पंचिंग सियर क्या है मैं आऊंगा वीडियो में अभी, ठीक है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। ओके, अभी देखिए, इट्स बिहेवियर इज जनरली एज टू वे स्लैब। ये जनरली एक तरह का टू वे स्लैब है, तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, फ्लैट स्लैब इज ए वन वे और टू वे, टू वे। एंड थिकनेस, जो इसका थिकनेस होता है ना फ्लैट स्लैब का, ये थिकनेस जनरली जो अपने को बीम स्लैब सिस्टम, जो नॉर्मली बीम वगैरह या फिर वॉल वगैरह के ऊपर जो स्लैब हम प्लेस करते हैं, वो वाले स्लैब में जो थिकनेस हम प्रोवाइड करते हैं उससे कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एंड थिकनेस इज मोर देन थिकनेस ऑफ स्लैब रिक्वायर्ड फॉर बीम स्लैब सिस्टम। ये आपका फ्लैट स्लैब। अब मैं आपको इसका डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो डायग्राम देखिए, तो डायग्राम समझिए, देखिए लेट्स सपोज दिस इज द स्लैब, ये आपका स्लैब है, ये पहला डायग्राम बना रहा हूँ, फर्स्ट टाइप, है ना, फ्लैट स्लैब का फर्स्ट टाइप। ये आपका स्लैब है, स्लैब कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ये कुछ ही हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी इधर स्लैब कंटिन्यूअस है, इधर भी स्लैब आपका कंटिन्यूअस है। ये स्लैब है, ये स्लैब डायरेक्टली आपके कॉलम के ऊपर प्लेस्ड है ना, ये आपका कॉलम है, कॉलम के ऊपर आपका ये स्लैब प्लेस्ड है। एक मिनट, एक तो ये केस हो सकता है कि स्लैब इज डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन कॉलम, है ना, या फिर हम ड्रॉप पैनल या फिर कॉलम कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके फिर हम फ्लैट स्लैब को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ड्रॉप पैनल या फिर कॉलम कैपिटल वाला सिस्टम क्यों यूज किया जाता है, टू अवॉइड फ्रॉम पंचिंग सियर। अब ये पंचिंग सियर क्या है, देखो होगा क्या, आप इमेजिन करिए इस तरह से कॉलम के ऊपर ये स्लैब प्लेस्ड है, या समझो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये स्लैब के ऊपर क्या है, लोडिंग है चारों बगल से, आप इमेजिन करो ये चारों बगल से लोड इस तरह से लग रही है इसके, तो ये क्या करेगा, ये जो एरिया है ना यहाँ पे हाई स्ट्रेसेस डेवलप, मतलब हाई स्ट्रेस हो जाएंगे स्लैब के अंदर, तो हो सकता है ये टूट जाए और ये पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ये कॉलम में ऐसे पेनिट्रेट कर जाए, धस जाए, मतलब ये पूरा पूरा स्लैब कॉलम के अंदर पंच कर गया। अरे जैसे पेपर में छेदा मारते हो ना, पंचिंग करते हो, वही चीज पंचिंग हो जाना, समझ में आ रहा है, तो ये चीज हो सकती है। तो यही चीज, तो ये जो चीज है ना इसी को बोलते हैं पंचिंग सियर। ओके, तो वो जो जिस कारण से होती है वो होती है सियर फोर्स। ओके, तो मतलब कट क्या हो रहा है, कट जा रहा है, तो ये जनरली इस तरह से ये फेलियर प्लेन यहाँ पे डेवलप करता है, ये इस तरह का ये जो फेलियर प्लेन होती है, जैसे यहाँ पे फेस ऑफ द कॉलम से स्टार्ट होती है और यहाँ तक पहुंचती है, मतलब इस वाले सेक्शन पे आपका पंचिंग सियर मैक्सिमम देखने को मिलता है, ये जो सेक्शन है। ओके, और ये सेक्शन फ्रॉम फेस ऑफ द कॉलम डी बाई टू पे रहता है, डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, याद रखिएगा क्रिटिकल सेक्शन फॉर पंचिंग सियर इज एट डी बाई टू फ्रॉम फेस ऑफ द कॉलम, है ना। तो मतलब क्या होगा, ये जो मैं आपको एरिया बता रहा हूँ, सुनना समझना, ये जो एरिया मैं शेडिंग कर रहा हूँ, देखो ये जो एरिया शेडिंग कर रहा हूँ, ये स्लैब का ये वाला हिस्सा कॉलम मटेरियल के साथ ही रह जाएगा और पूरा का पूरा स्लैब पेनिट्रेट कर जाएगा, पंच कर जाएगा ड्यू टू लोड, समझ में आ रहा है, इस तरह से जनरली फेलियर होता है। ओके,
तो ये जो रीजन है इसको मैं लिख सकता हूँ पंचिंग प्रोन रीजन, एक मिनट इसको मिटा दूं यहाँ पे, है ना, इसको हम लिख सकते हैं पंचिंग प्रोन रीजन, पंचिंग प्रोन रीजन। तो अब ये ड्रॉप पैनल या फिर कॉलम कैपिटल यूज करने का पर्पज यही है कि ये जो पंचिंग प्रोन रीजन है, है ना, यहाँ पे थोड़ा हम अधिक थिकनेस प्रोवाइड करें ताकि वो पंचिंग सीयर की मतलब स्लैब का थिकनेस को थोड़ा इंप्रूव कर दें ये पंचिंग प्रोन जोन में, ताकि पंचिंग सीयर ना हो या फिर पंचिंग फेलियर ना हो। ठीक है, तो दिस इज योर स्लैब, दिस इज योर कॉलम। ये डायग्राम पहले बनाइए। सेकंड देखिए, है ना, सेकंड केस में मतलब सेकंड टाइप क्या करता है, ड्रॉप पैरेलल या फिर कॉलम कैपिटल वाला जो सिस्टम बताया था वो बस हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जहां पे पंचिंग हो सकता था स्लैब का ना, फ्लैट स्लैब का, उस जगह पे थोड़ा हम स्लैब का थिकनेस इंप्रूव कर दें, बस यही पर्पज होती है और कुछ नहीं। देखिए समझिएगा, पहले डायग्राम बनाने दीजिए मुझे। ये स्लैब इधर कंटिन्यूअस है, ये स्लैब इधर भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो देखिए ड्रॉप पैनल क्या होता है, एक मिनट समझना, रुको पहले बनाने दो। ये ऐसा एक पर्टिकुलर थिकनेस मैंने प्रोवाइड किया, इरेज कर देते हैं इसको मेरे भाई। ठीक है, इसको इरेज कर दिया। अब रुकिए, अभी अभी कुछ नहीं करना आपको, है ना। तो यहाँ से ऐसे किया, ऐसे प्रोवाइड किया, इस तरह का कुछ, फिर ये ऐसे कॉलम गई। रुकिए, इसको इरेज करने दीजिए मुझे। इस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं, ये वाला जो लोकेशन है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ड्रॉप पैनल। ये रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन, इसको हम ड्रॉप पैनल बोलते हैं। और ये जो इस तरह से ये जो प्रोवाइड कर रखा है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल, कॉलम कैपिटल। ठीक है, कैपिटल ये हो गया आपका कॉलम, है ना। तो अब चूंकि देखिए पंचिंग सीयर हो रहा था, क्यों पंच, अब यहाँ पे पंचिंग सीयर का पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा मटेरियल है, ठीक है, जो कि उस पंचिंग सीयर को रेजिस्ट कर पाएगा, है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे पंचिंग सीयर होने की चांसेस कम है, जो मतलब इस पहले कॉलम वाले लोकेशन पे पहले हो रही थी, अब इस लोकेशन पे पंचिंग सीयर, ये सारे जोन में पंचिंग सीयर होना प्रिवेंट हो जाएगा, है ना, अब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अगर आपको क्रिटिकल सेक्शन निकालनी है फॉर पंचिंग सीयर, अब इस केस में कि मतलब अब पंचिंग सीयर की वैल्यू हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस केस में, ठीक है, तो जो पहले हम क्या करते थे, फ्रॉम फेस ऑफ द कॉलम हम कैलकुलेट करते थे, अब फ्रॉम फेस ऑफ द ड्रॉप पैनल। और फेस ऑफ द ड्रॉप पैनल पे कहाँ पे, वही सेम डी बाई टू, ठीक है, डी बाई टू इफेक्टिव डेप्थ बाई टू। इफेक्टिव डेप्थ किसका, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फ्लैट स्लैब। ठीक है, तो फेस ऑफ द कॉलम से, सॉरी फेस ऑफ द ड्रॉप पैनल से एट इफेक्टिव डेप्थ डी बाई टू आपका जो सेक्शन होगा, दैट विल बी योर क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैलकुलेशन ऑफ पंचिंग सीयर। समझ में आ रहा है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि पंचिंग सीयर वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके, जब हम एनालिसिस करेंगे, इक्वेशन वगैरह लिखेंगे, तो उस समय आप देखेंगे, समझ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है, ड्रॉप पैनल क्या है, कॉलम कैपिटल क्या है, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पंचिंग फेलियर इज प्रिवेंटेड हियर, पंचिंग फेलियर इज प्रिवेंटेड, ठीक है, मेक ए डायग्राम ऑफ इट। यही सब पूछता है यार एग्जाम में, ये इफेक्टिव सेक्शन सेक्शन वगैरह पूछता है ना, या क्रिटिकल सेक्शन जो बोल रहा हूँ, एट डी वाई टू फ्रॉम फेस ऑफ द कॉलम या फेस ऑफ द ड्रॉप पैनल, ओके। तो आपने देखा फ्लैट स्लैब, और इसमें जनरली जो फेलियर होता है ना, ये पंचिंग सीयर की वजह से होता है। पंचिंग सीयर को ना हम टू वे सीयर भी कहते हैं, इसका और एक नाम है टू वे सीयर, ठीक है। तो आपने ये देखा कि हमें दीवार वगैरह, देखो फ्लैट स्लैब अगर प्रोवाइड कर रहे हैं आप, तो आपको जैसे एक घर है, घर का प्लान समझो, ये घर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्लान एरिया है, आप ऐसा समझिए बहुत बड़ा प्लान एरिया है, तो बहुत बड़ा स्लैब आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको पार्टीशन वॉल वगैरह, ये रूम है ना, ये हॉल का रूम ऐसा, तो ये सारा देखो, ये पूरा पूरा एरिया
मैं इधर एक दीवार हो गया, 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 इधर एक दीवार हो गया। अब इसके ऊपर स्लैब ऐसे आप बनाओगे, प्लेस रहेगा, रेस्ट रहेगा। एक तो वो था जो कि नॉर्मली बीम स्लैब वाली सिस्टम है, या फिर ये दीवार नहीं प्रोवाइड करके पार्टीशन तो होगा ही होगा। ए बीम्स वगैरह भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो बीम वगैरह का डेप्थ काफी ज्यादा ज्यादा दिखता है, डेप्थ वगैरह। अब समझिए, अगर आपको एक पार्टी हॉल चाहिए, एक क्लीन स्पेस चाहिए, जैसे मूवी हॉल, पार्टी हॉल, या फिर एक तरह शॉपिंग मॉल, वो सब देखिए कितना क्लीन स्पेस रहता है, पूरा पूरा स्पेसियस रहता है। अब बीच में इधर दीवार, उधर दीवार, इधर दीवार, क्योंकि दीवार आपको पार्टीशन वगैरह प्रोवाइड करना है स्लैब को रेस्ट करवाने के लिए, तो फिर वो उतना स्पेसियस लोकेशन आपको अवेलेबल हो पाएगा क्या? नहीं। तो फिर इस तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए हम फ्लैट स्लैब यूज करते हैं। बस एक बीच में एक कॉलम होगा, समझिए बीच में एक कॉलम होगा, उस पूरे कॉलम के ऊपर एक पूरा पूरा स्लैब, उस एरिया का स्लैब रेस्ट कर रहा हो, है ना? या फिर और एक आध दो कॉलम, ठीक है, लेकिन स्पेसियस तो होगा, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह उतना नहीं होंगे, समझ रहे ना बात को? क्लियर, मतलब एक क्लियर स्पेस आपको दिखेगा। ओके, तो ये कुछ एडवांटेज है। तो हम फ्लैट स्लैब जनरली प्रोवाइड क्यों करते हैं? फॉर बेटर एस्थेटिक, अच्छा दिखता है यार, अपीयरेंस अच्छी होती है, पर बेटर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वो क्लैरिटी एक स्पेसियस होने के कारण, है ना, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने के कारण जो भी लाइट वगैरह वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके स्पेस में या हॉल के अंदर। पर ईज इन प्रोवाइडिंग, देखिए ये जो डक्ट वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, एसी डक्ट, इलेक्ट्रिक डक्ट, फायर फाइटिंग डक्ट एक्सेट्रा, इसको प्रोवाइड करने में आसानी हो जाती है। पर लेसर स्टोरी हाइट, देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको लेसर स्टोरी हाइट चाहिए तो आप फ्लैट स्लैब पे जाओ। लेसर स्टोरी हाइट देखो क्या बोल रहा हूँ, मतलब जनरली अगर बीम स्लैब सिस्टम का देखेंगे तो ये स्लैब, फिर ये बीम, बीम का डेप्थ, फिर इस तरह से, तो ये ओवरऑल, फिर स्लैब का डेप्थ, तो इतना यहाँ से यहाँ तक स्पेस तो ये बीम स्लैब सिस्टम ही कंज्यूम कर रहा है, इतना पर्टिकुलर डेप्थ। लेकिन अगर मैं फ्लैट स्लैब प्रोवाइड करूँ, है ना, तो ये पर्टिकुलर डेप्थ हमको चाहिए ही नहीं, अब सीधा एक पर्टिकुलर डेप्थ में हो जाएगा अपना, ये डेप्थ खत्म हो गया स्लैब का, बीम स्लैब सिस्टम का जरूरत ही नहीं है, बीम्स ही नहीं है ना, बीम हमको प्रोवाइड ही नहीं करना, फ्लैट स्लैब जब प्रोवाइड करेंगे तो ये डेप्थ रिड्यूस हो रहा है ना भाई, डेप्थ रिड्यूस हो रहा है। तो आपको एक हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, मान लीजिए इसमें बहुत सारे अपार्टमेंट, बहुत सारे स्टोरीज हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर डेप्थ बचेगा तो कितना ज्यादा फायदा होगा, है ना, बिल्डर्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है। ओके, क्यों? क्योंकि किसी किसी लोकेलिटी में होता क्या है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे आप दिल्ली में जाओगे तो वहां पे मैक्सिमम हाइट्स के ऊपर बहुत सारे लोकेलिटी में रेस्ट्रिक्शन है, दिल्ली में हो गया या फिर आपका मुंबई में हो गया, मेट्रोस में जनरली होते हैं। ओके, तो अब ऐसे केसेस में वो सब एरिया में जमीन का रेट देखो आसमान छूता, समझ में आ रहा है? तो हाइट में भी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है, मतलब ठीक है कमर्शियल वैल्यू। ओके, तो इट इज इकोनॉमिकल व्हेन कमर्शियल वैल्यू ऑफ लैंड इज हाई एंड मैक्सिमम हाइट इज रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि आप लेस स्टोरी हाइट बना सकते हो यहाँ से एक क्लियर स्पेसिंग के साथ, ठीक है, ओवरऑल आपका स्टोरी हाइट कम रहेगा लेकिन रूम जैसा वैसा ही दिखेगा आपको। बीम स्लैब सिस्टम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करना ना। ओके, ये नोट लिखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 सेस मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब इज 125 mm। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, फेलियर ऑफ फ्लैट स्लैब, बेसिकली फेलियर ऑफ फ्लैट स्लैब बेसिकली अगर ड्यू टू पंचिंग सीयर और टू वे सीयर, इसी को हम टू वे सीयर बोलते हैं, एंड क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस पंचिंग सीयर और टू वे सीयर इज एट D/2 फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम और ड्रॉप पैनल। तो ये ध्यान रखिएगा रिलेटेड टू फ्लैट स्लैब, बस अपने को इतनी जानकारी चाहिए फ्लैट स्लैब की, यहीं से क्वेश्चन आता है।